छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बारिश का पानी शहर के घरों और दुकानों में घुसा है, जिसकी वजह से व्यापारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। कई दुकानों से पंप के सहारे पानी को निकाला जा रहा है। शहर के पास के भूस्खलन में पहाड़ी चट्टानों के टूटने से कई घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुँचा है। पटना में स्कॉलरशिप को लेकर प्रदर्शन कर रहे दलित छात्रों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। भारतीय छात्र कल्याण संघ के बैनर तले सैकड़ों दलित छात्र विधानसभा का घेराव करने आए थे। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। घटना में घायल हुए कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को दलित विरोधी बताया है। लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिलने के लिए कई बीजेपी नेता अस्पताल पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई का मामला विधानसभा में उठाने की बात कही। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश से 12 गांवों का संपर्क टूट गया है। इन गांवों में 5000 से ज्यादा आबादी है। संपर्क टूट जाने से इन इलाकों में जरूरत की कई चीजों का संकट गहरा गया है। सड़कों पर चट्टान गिरने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बिहार में शराबबंदी कानून को और कड़े करने के बावजूद पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बंगाल से बिहार तक शराब की तस्करी में मासूमों को भी मोहरा बनाया जा रहा है। मनिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और उत्पाद विभाग की संयुक्त छापेमारी में राधिकापुर पैसेंजर ट्रेन से विदेशी शराब के साथ दो लोगों को पकड़ा गया। नासिक में बारिश की वजह से हालात ज्यादा खराब हैं। पंचवटी, पेठ रोड, ढिडोरी, भावानगर जैसे इलाके पानी में डूबे हैं। नांदूर मध्यमेश्वर बांध से पानी छोड़ने की वजह से नासिक के कई गांवों में पानी भर गया है। नासिक के 92 गांव अभी भी पानी में डूबे हैं। नासिक के सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल के चंबा में एक कार नदी में गिर गई। कार में सवार 3 लोगों के नदी में बह जाने की खबर है। प्रशासन ने कार को काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाल लिया है, लेकिन लापता 3 लोगों की अभी भी खोज जारी है। बिहार पुलिस की दादागिरी की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिली। सहरसा जिले के सदर थाना में उपद्रवियों से घायल हुए एक पीड़ित थाने में शिकायत करने पहुंचा, लेकिन थाना अध्यक्ष केस दर्ज करना तो दूर, उसकी फरियाद सुने बिना ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश की वजह से सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में भरने लगा है। धारहली और साक्तो नदियों में बाढ़ आने से राजौरी जिले में पानी घुसने लगा है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भारी बारिश की वजह से किसानों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से किसानों के फसल का काफी नुकसान हुआ है। पिछले साल किसानों को सूखे का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस साल ज्यादा बारिश ने उनकी फसलों को बढ़ने से रोक दिया है।